कर्नाटक में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ना लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदी जणाव्यु कि भारत हवे विकसित राष्ट्र बनवा तरफ अग्रेसर थई रह्यु छे अने तमाम लोकोना प्रयासना कारणे थई रह्यु छे। पीएम मोदीए कह्युं कि घणा लोको सवाल करे छे भारत आटला ओछा समयमां विकास केवी रीते थशे, पड़कारोनो सामनो केवी रीते करवामां आवशे, तेनो जवाब तमामना प्रयत्न छे अने दरेक देशना दरेक व्यक्तिना सहयोगथी आपणे आ उपलब्धि हासिल करीशुं। छेल्ला 9 वर्षथी देशमां ईमानदारीपूर्वक काम करवामां आवी रह्युं छे। देशे मेडिकल क्षेत्रे घणी नवी उपलब्धिओ मेळवी छे। पीएम मोदीए कह्युं कि कर्नाटकमां 9000 जेटला आरोग्य केन्द्रो छे। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं उनमें से एक यहां चिकबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवार कर्नाटक की मुलाकात पहुंचा था। आ दरमियान पीएम मोदी चिक्काबल्लापुरम में मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च नु उद्घाटन कर्यु। पीएमए सत्य साई ग्राम ने सेवा अद्भुत मॉडल गणाव्यु छे। तेमणे शिक्षण और आरोग्य पहला द्वारा संस्था द्वारा हाथ धरवामां आवता जे मिशन छे तेनी प्रशंसा करी हती। तेमणे कह्युं कि मेडिकल कॉलेज आज उद्घाटन थी आ मिशन वधु मजबूत बन्यु छे। कर्नाटकना दावणगेरेमां शनिवारे जाहेर सभाने संबोधता वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं कि कर्नाटकना लोकोए राज्यमां फरीवार डबल एंजीननी सरकारने लावानो निर्णय कर्यो छे। आ जाहेर सभा पहेला वडाप्रधान मोदीए मेगा रोड शो आनुं आयोजन कर्युं हतुं। रोड शो दरमियान तेमने जोवा माटे मोटी संख्यामां लोको उमटी पड्या हता। आ वर्षे कर्नाटकमां विधानसभानी चूंटणी योजाशे, जो कि आ मुद्दे हजी सत्तावार जाहेरात करवामां आवी नथी। भाजप अने जेडीएसए कर्नाटकमां चूंटणी प्रचारनो आरंभ कर्यो छे। तो वर्ष 2024 लोकसभा चूंटणी पहेला तमाम राजकीय पक्षो माटे कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी महत्वनी मानवामां आवी रही छे। हमारा जो मंत्र है दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो वंचित है उन वंचितों को वरीयता, वंचितों को प्राथमिकता, ये हमारे हर कदम में नजर आती है, ये हमारे संकल्प को दिखाता है। कांग्रेसे कर्नाटक विधानसभा चूंटणी माटे 124 उम्मीदवारों की प्रथम यादी जाहिर करी। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुराथी चूंटणी लड़शे, ज्यारे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वरुणाथी टिकीट आपवामां आवी छे। चूंटणी पंचे हजू कर्नाटक विधानसभा चूंटणीनी तारीखो जाहेर करी नथी। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार चूंटणी पंच रविवारे अथवा आवता सप्ताहनी शरूआतमां राज्यमां विधानसभा चूंटणीना कार्यक्रमनी जाहेरात करी शके छे। चूंटणीना कार्यक्रमनी जाहेरात थता ज समग्र राज्यमां आदर्श आचारसंहिता लागू थई जशे। कर्नाटकनी वर्तमान विधानसभानो कार्यकाळ 24 मेना रोज समाप्त थशे। त्यां सुधीमां पंचे 224 बैठको धरावती विधानसभानी चूंटणी माटे चूंटणी प्रक्रिया पूर्ण करवी पड़शे। લોકસભામાંથી ગેરલાયક ઠેરવ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે લોકસભાના સ્પીકરને અનેકવાર ચિઠ્ઠી લખી પરંતુ તેનો કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં અને માટે તેઓ લોકસભાના સ્પીકરને મળ્યા હતા અને સંસદમાં બોલવાની મંજૂરી માંગી હતી। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે અદાણીની અનેક શેલ કંપનીઓ છે અને અદાણીની કંપનીમાં 20,000 કરોડ રૂપિયા કોના છે અને ક્યાંથી આવ્યા છે। રાહુલ ગાંધીએ સ્પષ્ટતા આપતા કહ્યું કે તેમણે ક્યારેય વિદેશી તાકાતો પાસે મદદ માંગી નથી। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया? अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं?